कुछ ड्रामा भी है, सस्पेंस भी, क्या होने वाला है क्या नहीं, बिल्डअप है स्टोरी में, विच आई पर्सनली लव. सारी तो मैंने एपिसोड नहीं देखे, बट वहाँ जाके डेफिनेटली यू नो क्यूरियोसिटी है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है. तो एक कहानी के लिए वो बिल्डअप होना बहुत जरूरी है. सो दिस इज अ ग्रेट स्टोरी लाइन विच इज डन बाय सिंह घोष गुप्ता जी, स्काई 247. और कुछ क्या कहना चाहोगे आप उनकी एक्टिंग देख के, कैसा उनका परफॉर्मेंस था? आई थिंक शी किल्ड इट. मैं उनके पास में आई एम सेलिंग हर एवरी नाउ एंड यू रियली किल्ड इट. शी इज लुकिंग स्टनिंग इन द शो. हर परफॉर्मेंस इज आल्सो अमेजिंग. मैंने नेक्स्ट एपिसोड का थोड़ा ट्रेलर देखा जिसमें उन्होंने थोड़ा एक्शन भी किया है. आई थिंक दैट्स अमेजिंग एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द होल सीरीज. मैम बिग बॉस में काफी विवाद हुआ है, चर्चे खत्म नहीं हो रहे. काफी जिया ने क्या किया है, डिटर्जेंट मिला के एल्विश को. आपको लगता है इस तरह वो करने, क्या कहना चाहोगे इसको लेके? मुझे पर्सनली वो चीज सही नहीं लगी. ठीक है, आपको अगर प्रैंक करना है ठीक है, आप उसमें कुछ एडिबल मिला सकते थे, या आप नमक डाल दो या कुछ भी डाल दो. डिटर्जेंट मुझे ऐसा लगता है कि वो केमिकल्स होते हैं उसमें, उन जान भी जा सकती है. जान तो पता नहीं जान का, बट डेफिनेटली दिस इज समथिंग विच इज नॉट राइट. एंड उस सिचुएशन में जब यू नो यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिट हो उस घर में इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग टास्क एंड एवरीथिंग. तो जब हेल्थ पे आती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं. सो डेफिनेटली वो चीज़ मुझे सही नहीं लगी. मैंने उसके बारे में ट्वीट भी किया था दैट फर्स्टली मुझे ये सही नहीं लगा व्हाट शी हैड टू डिटर्जेंट. बेबी का और एल्विश के बीच में काफी भी नजदीकियां बढ़ रही है, तो आपको क्या लग रहा है किस तरीके का गेम है कि कोई नया कंटेस्टेंट घर में आया है और एल्विश आई थिंक कैप्टन भी बन जाएंगे बहुत जल्दी, तो उनके आगे पीछे घूमना कुछ ये जोड़ी थोड़ी ऑफ नहीं लग रही है आप लोगों को बेबी का और एल्विश की? मुझे तो लग रही है पर्सनली बिग बॉस में कुछ भी हो सकता है. तो इस तरीके का नहीं लग रहा है कि आइए आदि जी. ऑलराइट, ठीक है.